हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन के बीच में का डिफरेंस और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिलेटेड में, तो वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर वेपर कंप्रेशन की बात करूँ या वेपर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, तो इन दोनों पर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज सिर्फ इंटरव्यू टाइप्स क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता होता है कि वेपर कंप्रेशन तो मालूम होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन में आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, वेपर कंप्रेशन में नाम से ही पता चलता है वेपर कंप्रेसर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में आपका यूज़ होगा जनरेटर। सबसे पहला डिफरेंस, कंप्रेसर क्यों यूज़ हो रहा है? प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। जनरेटर के भी काम वही है, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है आपका प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आपको हीटिंग कॉइल हो गया, स्टीम हो गया, या पेट्रोल डीजल जो भी है आपको बर्न किया जाता है यहाँ पे, और इससे प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। बाकी का कंपोनेंट दोस्तों सेम है। कंडेंसर यहाँ पर भी है, कंडेंसर यहाँ पर भी है, एक्सपांशन वॉल यहाँ पर भी है, एक्सपांशन वॉल यहाँ पर भी है, इवेपोरेटर यहाँ पर भी है, इवेपोरेटर यहाँ पर भी है, ठीक है। बस यहाँ पे एक अदर कंपोनेंट आ जाता है एब्जॉर्बर, बस बाकी पूरा साइकिल आपका सेम है। स्पेस की बात करें तो इसके लिए वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए स्पेस ज़्यादा लगता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो कम होता है। इफिशेंसी अगर देखा जाए तो वेपर एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा है, वेपर कंप्रेशन की उतनी नहीं है, क्योंकि इसका स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए उतनी इफिशेंसी पे ये वर्क नहीं करता एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन साइकिल पे। दोस्तों, बात की जाए इसकी मेंटेनेंस की, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ होता है, कंप्रेसर एक मूविंग पार्ट है, इसके लिए वियर एंड टीयर होगा, जिसके वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा होगी। इसमें इतना आपका वियर एंड टीयर नहीं होगा, क्योंकि छोटे से पंप भी यूज़ होता है बस, और ज़्यादा वियर टीयर नहीं हो रहा, जिसके वजह से लेस मेंटेनेंस रहेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।